आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज एक्सप्रेस। तक भाजपा को प्रदेश से भगाएंगे, माला नहीं पहनेंगे। आपने जीत भी लिया और माला भी पहन लिया, कैसा लग रहा था? जीत का नहीं था, बीजेपी सरकार, बीजेपी और आयुष सरकार को हराए, हारेगी तब हम माला पहनेंगे। अब हारे आज मेरा पहन लिया आज से। हाँ बस हो गया भाई, बस हो गया। बहुत आगे और विशेषकर आपका कड़ा मेहनत, लोग अब झारखंड के चाणक्य के रूप में आपको देखते हैं या कह रहे हैं, क्या लगता है वाकई आप? हम चाणक्य उधर कुछ नहीं है, हम एक मामूली कार्यकर्ता है और एक कांग्रेस के सिपाही हैं, और ये जो भी देख रहे हैं ये सब हमारे कार्यकर्ताओं का कमाल है, और उन्हें जितना बधाई दे वो कम है। कार्यकर्ता ही इस तरह का जो रिजल्ट आया वो कार्यकर्ता लोग का बहुत बड़ा हाथ है। दूसरी चीज, जनता बहुत दुखी थी इस सरकार के जुमलेबाजी से, झूठे वादे से, झूठे आश्वासन से बहुत परेशान थी सरकार, और महंगाई चरम पर थी, और जिसका नतीजा यह हुआ कि जनता अपना ताकत है वो दिखा दिया। चुनाव में जनता भी कुछ चीज होती है, और रघुवर दास बहुत तो घमंड आ गया था, उसका घमंड आज चुका है। तो आप, मैं सबसे बड़ा जीत का श्रेय जनता पर देता हूँ, जनता ही जिताई। सर दूसरा बड़ा सवाल है, कुछ लोग अंतिम समय में दल बदल कर दूसरे दल में गए, क्या स्वार्थ साधने के लिए गए थे? बड़ी संख्या में उन लोगों की हार हुई है, पर आपका क्या कमेंट है? हम कोई कमेंट, इसमें लोहरदगा का भी शामिल है सर, इसमें हम कोई कमेंट नहीं देना चाहते हैं। जो लोग गए आज बता रहे होंगे कि घर को छोड़ करके वो दूसरे घर में गए, उनको आज जो स्थिति है भगवान ने दिखा दिया था। ज्यादा दिन ये सब चलने वाले नहीं है, और जो लोग भी आज साथ में है उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई है। लोहरदगा की जनता के साथ साथ प्रदेश के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस जीत से आप? देखिए, प्रदेश में लोहरदगा का एक स्थान है, और हम चाहेंगे कि हम लोग दोनों मिल करके एक ऐसा मिसाल पैदा करेंगे कि लोगों का हम लोग दुख दर्द में ताकि बन करें।